right, guys, a huge, massive discussion going on in the country. विकास छोड़ो यार, शेर का मुंह कैसा होना चाहिए? क्या शेर को ये कहना चाहिए साहब चंगा सी, या शेर को वो कहना चाहिए हम घर में घुस के मारेंगे? इट्स सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ. इवन आई डिड नॉट टेक दिस नेम फॉर सो लॉन्ग. डेवलपमेंट, विकास. वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जून के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा था. द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 7.8% इन जून फ्रॉम 7.12% इन द प्रीवियस मंथ. ऑल्सो यू कैन सी द इन्फ्लेशन एंड गैस सिलेंडर प्राइसेस आर ऑलरेडी अप. इन द मंथ ऑफ जून इन्फ्लेशन हैज रिमेंड अबव 7% फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ. अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है. सो वो शब्द, दैट वर्ड, जिसको मैं भी भूल गया जबकि मैं सबसे ज्यादा बोला करता था, वो है डेवलपमेंट. अरे विकास, अरे विकास. सो द डेवलपमेंट इज कमिंग और नॉट, दिस इज द बिग क्वेश्चन. कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ आल्सो. क्या विकास आ रहा है? एक्चुअली ये सवाल हम दद्दू से पूछते हैं. क्या विकास आ रहा है? विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास? हाँ. हम नए थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे. So yeah guys, there are so many discussions going on in the country, but country first. और सच्ची देश भक्ति वही है, देश सेवा वही है जब हम अपने देश की प्रोग्रेस डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ना कि अपने खुद के. But honestly, it's almost same. आपके विकास में भी देश का विकास होता है अगर आप सच्चाई ईमानदारी के साथ काम करो. हो नहीं पाता ना, चल भाई. बट पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ बारिश हो रही है. या देयर आर फ्यू स्टेट्स एंड सिटीज बट मॉनसून इज एवरीवेयर. और ये रही मॉनसून वेडिंग जो पिछली बार भी हमने दिखाई थी. बट पीपल आर हैविंग फन, लुक एट दीज पीपल. मैं सच बताऊं, यही जिंदगी है. भाई क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? एंड ऑल्सो सम पीपल आर हैविंग फन इन श्रीलंका इन प्रेसिडेंट्स हाउस. भीड़ घुस गई है राष्ट्रपति भवन में, वहां पर तोड़फोड़ की गई है. अंदर घुस गए और उसके बेड पे WWE चल रही है. That's in trouble. Oh my God, right to the chest. और कोई मतलब फोटो ले रहा है चाय पीते हुए. चाय चाय. और वो राष्ट्रपति भाग गया देश छोड़ के. दिस वीक इज ऑल अबाउट श्रीलंका क्राइसिस. मतलब प्रेसिडेंट के घर में घुस के उसी की टीवी पे खुद को देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के घर में लोग कैसे घुस गए. मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? एंड पीपल आर वेयरिंग हिज क्लोथ्स एंड हैविंग फन प्लेइंग पियानो. ये प्रधानमंत्री आवास का पियानो है और यहाँ पर अच्छे दिन आने वाले हैं. And just look at this swimming pool scene. जो मौज करनी है भी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो. जिनको जान गंवानी पड़ेगी थी. Most of the people are saying it's a fault of Sri Lankan president. ये president है, इसकी गलती थी. लेकिन इस president को जनता नहीं चुना है, तो ultimately जनता की गलती. और वही जनता उसके घर में उसके मजे भी ले रही है. चल बे. Try to understand. This guy was wrong. But those people who elected him was also wrong. क्योंकि इन्हीं को कीड़ा था गोटिया भाई को लाने का. चल बे. हाँ, राजपक्षे गोटिया जो भी है यार. ए गोटिया गोटिया, ए गोटिया, ए गोटिया. He left, he ran away. His name is Gotabaya Rajapakse. भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अकड़ बकड़ बॉम्बे को. ए गोटिया गोटिया, ए गोटिया, ए गोटिया. मैं श्रीलंका की हालत देख के बुरा लगता है यार. मतलब उनकी क्रिकेट टीम, एक बार तो मैं श्रीलंका गया भी. भाई क्यों नहीं रह गया? चुप बे. नो, श्रीलंकन पीपल आर फैंटास्टिक पीपल. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन पर कैपिटा इनकम ऑफ श्रीलंका वाज बिगर देन इंडिया. यू नो दिस श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस. ओके, आई हर्ड अ बुक समरी कॉल्ड द ब्लैक स्वान, द इंपैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल. इन दिस बुक यू कैन अंडरस्टैंड दैट वो परेशानियां जो हमने दूर तक नहीं देखी, वो अगर आ गई तो कैसे तैयार है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. श्रीलंका उसी से जूझ रहा है. And it's really important to understand. So it will help you out to make your plan better. It was fantastic. It was on Cuckoo FM. And Cuckoo FM, you all know very well. Cuckoo FM, India ka leading audio shows platform with the rating of 4.5 plus. On Cuckoo FM, you can find audiobooks on almost every category. Financial, motivational, inspirational, infotainment. And yeah, there is an offer. If you use this coupon code, the first 250 people
will get Cuckoo FM in half of the price. तो करना. And to be really honest, I'm not liking this. Some people are comparing कि देखो कहीं हमारे ऐसा ना हो जाए. Shut up. चुप. बिल्कुल चुप. अच्छा तो सोचो कम से कम. No. We want our country should progress. अच्छा सोचो. ये बात अलग है कि $1.80 का होने वाला है. But अच्छा सोचो. Please. I mean, come on. The LPG prices we all know, but please think positive. नहीं अच्छा सोचो यार, come on, be positive. The country's unemployment rate rose to 7.8% in June from 7.12% in the previous month. But leave all these things, think positive. We are a great nation and we will progress. एक बहुत पहले वीडियो वायरल हुआ था मेट्रो चचा के नाम से अंकल का. इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि दो देशों में कंपैरिजन करना है तो कैसे करें? कैसे कैसे करें भाई? कैसे मापा जाएगा किसी देश का? चीफ है पहले वो लड़े फौजी हेड है. उस टाइम ओबामा प्रेसिडेंट था कि मोदी और ओबामा की कुश्ती करा दो. देखो नेता चाहिए, तगड़ा नेता. मोदी जीत जाएंगे, हम मजबूत है. नहीं वो अंकल ने बोला, सुन तो लो, मोदी की कुश्ती किसी से भी करा दो, ओबामा को करा दो, 10 ओबामा हो जाए, मोदी अकेले पटक देगा. हम घर में घुस के मारेंगे. इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे चांसेस बहुत ज्यादा है. कम ऑन, आई मीन आवर प्राइम मिनिस्टर इज सो स्ट्रॉन्ग. लुक एट जो बाइडेन, ही इज फॉलिंग फ्रॉम द बाइसिकल. मतलब भाई की तो अलग लेवल की सीरीज बन रही है. मेडल पिनाना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, उसको उल्टा मेडल पिना दिया. क्या कर रहे हो अंकल साहब? And if you talk about teleprompter, he was reading to read it again. And cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. Repeat the line. भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? जितना इनका डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है उतना इनका प्रेसिडेंट हापा पापा पा कर रहा है. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him. क्योंकि क्या है ना कि बाइडेन ने घी नहीं पिया था. मोदी जी मजा नहीं आ रहा है. कमला का हमला. एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएस, लुक एट दिस मैन. कम ऑन, एलन मस्क नहीं खरीदेंगे ट्विटर. मस्क ने लगाए ट्विटर पर कई आरोप. ट्विटर डील कैंसिल करने का भी ऐलान कर दिया. इतना सा क्या, मुझे इस पे जरा भी भरोसा नहीं है. पहले बोला ट्विटर खरीद रहा हूँ, अब बोल रहा नहीं खरीद रहा हूँ. यू टर्न फ्रॉम द बिलियनेयर एलन मस्क. ही इज पुलिंग आउट ऑफ द $44 billion टेकओवर ऑफ ट्विटर. That according to his lawyer. I think after that, world got that lesson. मुझे लगता है इसको सब कुछ तो मिल गया, इसको बस limelight में रहना अच्छा लगता होगा कि बस कुछ भी बकचोदी कर दो, लोग आ ही जाएंगे, attention मिल ही जाएगा. मतलब एकदम से deal cancel कर दी. फुड़ फड़ लो. Okay, deal cancel. फुड़ फड़ लो. When he cancelled the deal with Twitter, most of the Indians were saying this. क्या रे भीख मंगिया? क्या देख रहा है? हलवा ही क्या? I mean, try to understand this. This world is filled with so many people. एक ये है, ट्विटर खरीदने का अनाउंसमेंट करता है और उसके बाद मना कर देता है, गड्ढा खोदता है और उसके बाद भरता भी नहीं. लेकिन there is a man in Gujarat and the gold of this week. जब गंगा भाई कुआं खोदने निकले तो लोग उन्हें पागल कहने लगे. यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली. इन्होंने 5 कुएं खोद दिए पानी निकालने के लिए. And he is helping the mankind. वो एक के बाद एक 5 कुएं खोदते रहे जब तक कि उन्हें जमीन से पानी नहीं मिल गया. सर ये तो गोल्ड है. एंड सो ही इज फ्रॉम गुजरात एंड देयर इज वन मोर क्रिकेटर फ्रॉम गुजरात एंड पीपल वर ट्रोलिंग हिम. आर पांड्या, और बहुत गंदा वाला ट्रोल कर रहे थे. लिखा हुआ था हार्दिक पांड्या भड़वा है. नहीं, गलत बात है. आज कर गया, क्योंकि जिस चीज के लिए आप उसको ट्रोल कर रहे हो, मेरे पे देखो, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो. वो चीज हुई नहीं है. यस, दैट्स अ फैक्ट. हार्दिक पांड्या अपेरेंटली रोहित को ये बता रहे थे कि अब मेरी बात सुना करो डीआरएस पे. दिस इज ट्रेंडिंग बिकॉज पीपल वर थिंकिंग दैट हार्दिक पांड्या अब्यूज्ड रोहित शर्मा, बट इट डिडंट हैपन. मेरे पे देखो, आप पता नहीं क्या बोल क्या बोल रहे हैं. इसमें पता चला हार्दिक पांड्या थर्ड एम्पायर को बोल रहा है. बोल रहा है मार्च उसको मत देखो, मुझे देखो, मैं जो बोल रहा हूँ. जब मैं बोल रहा हूँ अब मेरे पे सुनो, XYZ की मत सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं. तो ये वो थर्ड अंपायर को बोल रहा है. ही वाज नॉट अब्यूजिंग रोहित शर्मा. सो या गाइस, वी वॉन द T20 सीरीज, बट द फर्स्ट ODI मैच उसको देख के लोगों ने बोला T20 तो खत्म हुआ ही नहीं है, ये फिर 20 ओवर में इंडिया जीत गया. वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेले. दैट्स वन ऑफ हिज फेवरेट शॉट्स इनटू द क्राउड. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. मतलब रोहित शर्मा फुल ऑन ट्रंप की तरह बोल रहा था. वी आर गोना विन विद एवरी सिंगल फैसेट. वी आर गोना विन सो मच
you may even get tired of winning. So also, let's talk about Kohli saab. Yes, we trolled him, but we love him. ऐसा नहीं है यार, ये फालतू बातें मत करो. मतलब हाँ, सबका फॉर्म ऊपर नीचे होता है. सचिन तेंदुलकर का भी हुआ था. प्लीज गिव हिम सम टाइम एंड स्टॉप ट्रोलिंग हिम लाइक एवरी टाइम. अच्छी बात नहीं, थोड़ा बहुत ट्रोल चलता है. कोहली साहब है हमारे. मुझे आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है. मुझे पता है आपको कितनी मुझसे हमदर्दी है, मुझे सारा पता है. पर हाँ, वी रियली रियली होप एंड प्रे दैट ही विल गेट हिज फॉर्म एंड इंडिया विल विन. And this week there was a huge discussion on population control. भारत की जन्म दर कंट्रोल नहीं की गई तो भारत न सिर्फ सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में शीर्ष पर होगा, बल्कि बुजुर्गों की आबादी भी इस देश में सबसे ज्यादा हो जाएगी. No, I'm not going to add anything. I just want to play the bit of this guy. He's a jam. Northeast Indians are really funny people. और मेरा उनसे एक अटूट विश्वास का रिश्ता है. आइए बहनों. जैसे मोदी जी का होता. पर हाँ, बहुत अच्छे होते हैं वो. बहुत अच्छी बात कही कि छोटी आंखों के क्या फायदे होते हैं. छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं. एंड ऑल्सो ही वाज सेइंग दैट इफ यू वांट टू कंट्रोल पॉपुलेशन लर्न फ्रॉम मी. जनसंख्या दिवस पर हम जनसंख्या वृद्धि को लेकर संवेदनशील बने और बेहतर समझ पैदा करें, या फिर सिंगल ही रहें मेरी तरह. पर इसमें क्या है, हम तो भाई से भी सीखते हैं. क्या सो थैंक यू सो मच फॉर योर शो गाइस. लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब. सो दैट सेक्सी रहो मेरे फैंस, मेरी जान. एंड इफ यू यूज दिस कूपन कोड यू विल गेट 50% ऑफ ऑन कुकू एफएम. फर्स्ट 250 पीपल विल गेट दिस एडवांटेज. एंड यस, दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता. I mean, really, it was needed. What the fuck is going on here?